क्या आपने कभी 21 फीट बड़ा शिवलिंग देखा है? अगर नहीं देखा है तो मैं आपको दिखाता हूँ दुनिया का एक बड़ा शिवलिंग। यह है एक खास मंदिर और यहाँ पर है 21 फीट बड़ा शिवलिंग। शायद ये दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग हो जो बनाया गया था 1000 साल पहले। नमस्कार, मैं हूँ अमन और आप देख रहे हैं अमन्स वे। मैं हर बार आपको एक नई जगह पर लेकर जाता हूँ, चाहे वो ट्रैवलिंग वीडियो हो या फिर एक अनोखे मंदिर के दर्शन कराता हूँ। चलिए लेकर चलते हैं आपको भोपाल के भुजेश्वर मंदिर में और दिखाते हैं आपको ये खास शिवलिंग। हम भी इस मंदिर का रहस्य जानने निकल गए भोपाल से। भोपाल से 35 किलोमीटर की दूरी पर है भुजेश्वर टेम्पल और इस मंदिर के लिए आप टैक्सी या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा ले सकते हैं भोपाल से जाने के लिए। बेहद खूबसूरत रास्तों के बाद हम आ पहुंचे इस मंदिर के दर्शन के लिए। दूर से देखने पर यह मंदिर भव्य तो लगता है, लेकिन एक बात सबके मन में आती है कि ये मंदिर कुछ अधूरा है। जी हाँ, ये मंदिर किसी जमाने में बनाया गया था, लेकिन ये पूरा नहीं हो पाया, इसलिए आज भी इस मंदिर का शिखर नहीं है, लेकिन फिर भी दूर से देखने में ये मंदिर बहुत विशाल प्रतीत होता है। इस मंदिर में कुछ ऐसा अट्रैक्शन है, जैसे ही आप इस मंदिर को देखते हैं आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे अंदर जाकर शिवलिंग के दर्शन करने के लिए। ऐसा कहते हैं ये मंदिर इतना भव्य बनने वाला था कि उस वक्त शायद ये दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर होता। आज भी इसे सोमनाथ ऑफ ईस्ट यानी कि पूर्व का सोमनाथ कहा जाता है। वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था इस मंदिर के अंदर 21 फीट ऊंचा शिवलिंग है। सबसे पहले आपको दर्शन कराते हैं उस शिवलिंग के और उसके बाद बताएंगे इस मंदिर से जुड़े हुए कुछ ऐसे रहस्य जिनको सुनकर आपको भी आश्चर्य होगा और आप शॉक तो होंगे ही, साथ ही में आप आश्चर्य करेंगे कि 1000 साल पहले इतना विशाल मंदिर आखिर क्यों बनाया गया था। इस मंदिर में जाने के लिए हमने चढ़ा 275 फुट ऊंचा और 80 फीट चौड़ा चबूतरा। इस शिवलिंग का, इस मंदिर का एंट्रेंस गेट जो है वो अपने आप में बहुत विशाल है। कुछ कुछ अधूरी मूर्तियां, कुछ कुछ खंडित मूर्तियां आपको बाहर देखने को मिलती हैं, लेकिन इससे इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि ये मंदिर जब पूरा बन के तैयार हो जाता तो कितना विशाल होता। फिलहाल जितना मंदिर आज आपको दिखता है ये उतना ही बनाया गया था। अंदर जाते ही हमने देखा एक भव्य शिवलिंग। ऐसा बताते हैं ये शिवलिंग 21 फीट का है। नॉर्मल पर्सन की हाइट 4 से 5 फीट होती है और एक नॉर्मल पर्सन से लगभग 4 गुना ज्यादा बड़ा है ये शिवलिंग। 3 से 4 फुट का इसका बेस है और उसके ऊपर लगभग 18 फीट ऊंचा शिवलिंग है और आज भी महादेव को अभिषेक करने के लिए पुजारियों को सीढ़ियों का इस्तेमाल करना पड़ता है इस शिवलिंग के ऊपर जल या फिर दूध का अभिषेक करने के लिए। और एक बात तो तय है, जब आप इस शिवलिंग को अपने सामने से देखते हैं आपको एक अलग ही अट्रैक्शन फील होता है। ऐसा कहते हैं एक पत्थर से ही तराश कर इस शिवलिंग को बनाया गया था। अंदर से ये मंदिर बहुत ही सुंदर है और ये पूरा मंदिर अंदर से 4 पिलर्स पर टिका हुआ है और इन पिलर्स पर शिव, पार्वती, सीताराम और अनेक देवी देवताओं का चित्र उकेरा गया है। इस मंदिर के अंदर आप परिक्रमा जरूर दीजिएगा, आपको एक अलग एनर्जी फील होगी। साथ ही में जिस वक्त मैं इस मंदिर में दर्शन करने गया था उस वक्त इस शिवलिंग को पूरा डेकोरेट किया जा रहा था, तो आप देख सकते हैं कितने सारे लोग सीढ़ियों के मदद से ऊपर चढ़े थे और उसके बाद एक एक फूल माला सजा रहे थे महादेव के ऊपर। और शायद आपने भी अपने जीवन में इतना बड़ा शिवलिंग नहीं देखा होगा। अब उस रहस्य पे आते हैं कि आखिर इतना बड़ा शिवलिंग क्यों बनाया गया और क्या वजह थी कि ये मंदिर अधूरा बना हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि 1000 साल पहले परमार वंश के राजा भोज ने इस मंदिर का निर्माण कराया था। ये मंदिर एक पहाड़ी पर बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ है। एक कहानी बहुत प्रचलित है और उस स्टोरी के अकॉर्डिंग ऐसा माना जाता है कि एक बार राजा भोज जो है बहुत बीमार हो गए। उन्होंने कई तरह की दवाइयाँ ली, कई तरह के वैद्य बुलाए, लेकिन वो ठीक नहीं हो पा रहे थे। तो किसी ने उन्हें सलाह दी कि आप 9 नदियां और 19 तालाब का पानी पीजिए और यही सोच के उन्होंने यहाँ पर बेतवा नदी पर एक डैम यानी कि एक बांध बनवाया, जिससे इकट्ठा हुआ वह पानी उन्होंने पिया और वो ठीक हो गए। और अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उन्होंने ऐसा डिसाइड किया था कि अगर वो ठीक हो जाते हैं तो वो दुनिया का सबसे बड़ा शिव मंदिर बनाएंगे। इसी वजह से उन्होंने यहाँ पर नींव रखी भुजेश्वर टेम्पल की
और सबसे बड़ा शिवलिंग बनाने की प्रतिज्ञा ली। लेकिन उस वक्त जरूर कोई मजबूरियां रही होंगी जिस वजह से ये मंदिर पूरा नहीं बन पाया। इस मंदिर के पीछे एक रैंप भी दिखता है जो कि ये दर्शाता है कि किस तरीके से इस मंदिर का निर्माण हुआ होगा। पहले इस मिट्टी के रैंप को बनाया गया और उसके ऊपर हाथी और घोड़े चढ़कर जाते थे और बड़े बड़े पत्थर एक के ऊपर एक रखते थे। इससे हमें मंदिर के आर्किटेक्चर का अनुमान लगता है कि किस तरह से ये भव्य मंदिर बनकर तैयार हो रहा था। एक खास बात और है, जैसे कि कोई बिल्डिंग बनती है तो हमारे पास एक मैप होता है, उसी तरह से यहाँ पर आपको एक जमीन पर उकेरा हुआ नक्शा देखने को मिलेगा इसी भोजेश्वर टेम्पल में, जिसके अनुसार ये बताया गया है कि ये मंदिर कैसे कैसे बनाया जा रहा था। मंदिर के निर्माण को देख के ऐसा लगता है कि पहले यहाँ पर मंडप, महामंडप, चबूतरा और भी कई सारी चीजें बनाई जानी थी, लेकिन किसी कारणवश ये पूरी नहीं हो पाई और आज आपको जैसा मंदिर देखने को मिलता है सिर्फ मंदिर उतना ही बनाया गया। एक स्टोरी और प्रचलित है जो शायद बहुत सारे लोग बताते हैं और कुछ लोग जानते भी नहीं हैं। वो ये है कि ऐसा माना जाता है कि ये मंदिर द्वापर युग में माता कुंती के पिता राजा भोज द्वारा बनाया गया था, लेकिन इसके पीछे क्या सच्चाई है ऐसे हमें कुछ एविडेंस जानने को नहीं मिलते। खैर, अगर मंदिर पूरा भी नहीं बन पाया लेकिन उसके बाद भी इस मंदिर की बहुत मान्यता है। आप अगर भोपाल आ रहे हैं तो इस मंदिर को जरूर देखिएगा और उम्मीद है आपको इस मंदिर का इतिहास जानकर बेहद खुशी और आनंद प्राप्त हुआ होगा। जुड़े रहिए अमन्स वे के साथ, इसी तरह में ट्रैवलिंग वीडियोस, वीलॉग्स और हिस्ट्री से जुड़ी हुई अनोखी वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूँ। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके कॉमेंट करके बताइएगा कि आपका क्या मानना है इस मंदिर के बारे में। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ढेर सारी वीडियोस मेरे इस चैनल पर अपलोडेड हैं जो आप जाकर देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।